नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ये एक 100 वाट का एम्पलीफायर बोर्ड है। ये ट्रांजिस्टर वाला है। तो देखिए यहाँ पर जो 5200 का ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया है, और इधर देखिए ये 1943 का ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया है इसमें। तो इसके जो कनेक्शन हुए, तो आप लोगों को मैं बताता हूँ इसके कनेक्शन कैसे करना है, कहाँ पर कौन सी तार की कनेक्शन करना है। तो ये 100 वाट का है, इसमें 100 वाट आप लोड दे सकते हैं। 100 वाट लिखा हुआ है, लेकिन 100 वाट से कम देंगे तो ही अच्छा होगा, 100 वाट ना दे तो ही अच्छा। इसमें तो आप 2400 वाट के 2 स्पीकर आप चला सकते हैं इसमें से। लेकिन ये जो है ये सिंगल आउटपुट है, ये सिंगल बोर्ड है। तो देखिए इसमें एक सिंगल ही आउटपुट मिलेगा आप लोगों को। तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ इसके जो कनेक्शन होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है V+E, और इधर देखिए V-, इसके मतलब वोल्टेज प्लस और माइनस है। तो ये जो है ये 12 वोल्ट प्लस माइनस से चलेगा, इससे भी ज़्यादा भी आप दे सकते हैं। ये तो अच्छा होगा, आप अगर इसमें 18018 का ट्रांसफार्मर आप यूज़ करेंगे तो इसमें क्वालिटी आपको अच्छा मिलेगा, साउंड क्वालिटी। तो देखिए यहाँ पर वोल्टेज प्लस, और यहाँ पर देखिए ये जो है बीच वाला है 8E लिखा हुआ है, और यहाँ पर देखिए वोल्टेज माइनस। तो इसमें ग्राउंड को आपको कनेक्शन करना है, इसमें वोल्टेज माइनस को और इसमें वोल्टेज प्लस को कनेक्शन करना है। तो इसमें जो नहीं है वो है बीच रेक्टिफायर के लिए कोई डायोड यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया गया। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सबसे पहले एक बीच रेक्टिफायर बना लेना है, उसके बाद ही बीच रेक्टिफायर से आपको यहाँ पर कनेक्शन करना है। बीज रेक्टिफायर से निकल के आपको कनेक्शन करना है। यहाँ पर वोल्टेज प्लस होगा, ग्राउंड होगा और वोल्टेज माइनस होगा, उसके कनेक्शन कर देना है। उसके बाद आपको जो कनेक्शन करना है, देखिए इनपुट का कनेक्शन जो होता है, तो यहाँ पर देखिए IP लिखा हुआ है। तो यहाँ पर एक इनपुट होगा और यहाँ पर ग्राउंड आपको कनेक्शन कर देना है। एक ही इनपुट यहाँ पर और ग्राउंड एक यहाँ पर कनेक्शन कर देना। और इसके जो स्पीकर के जो कनेक्शन होता है, तो देखिए यहाँ पर 2 रजिस्टर लगा हुआ है 5 वाट का। तो देखिए ये 2 रजिस्टर देख सकते हैं, ये एक वाला, ये यहाँ पर और एक है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादातर क्या होता है, 2 रजिस्टर एक ही सेम दिखने वाला होता है। यहाँ पर ये खराब हो चुका था, इसलिए दूसरी रजिस्टर के यूज़ किया गया है। तो आपको वो चीज़ नहीं देखना है, आप लोगों को यह देखना है कि ये दोनों रजिस्टर के टांग जहाँ पर है, तो देखिए यहाँ पर 2 रजिस्टर आपस में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ आपका जो कनेक्शन होता है, तो आप देखिए ट्रैक को चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पर स्पीकर लिखा हुआ है। तो इसमें एक स्पीकर के कनेक्शन होगा और ग्राउंड के साथ एक कनेक्शन कर देंगे तो ये स्पीकर चलेगा। तो इसमें जो होगा, आप लोगों को एक बीज रेक्टिफायर बना लेना ही है। अगर बीज रेक्टिफायर नहीं बनाएंगे तो ये आप चालू नहीं कर पाएंगे। और इसका साउंड क्वालिटी अगर आपको अच्छा चाहिए तो आप लोगों को क्या होगा, 3-4 एम्पियर से ज़्यादा होगा तो अच्छा होगा, 5 एम्पियर तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन 2 एम्पियर में आपको अच्छी क्वालिटी नहीं मिलेगा, या तो फिर 18018 का जो 3 एम्पियर और 4 एम्पियर का जो ट्रांसफार्मर मिलते हैं 5 एम्पियर का, तो उसको आपको इस्तेमाल करना है। उसमें आपको अच्छी साउंड क्वालिटी मिलेगा और ये 100 वाट का आउटपुट देगा। इससे आप एक 100 वाट का स्पीकर को आप चला सकते हैं और अच्छी क्वालिटी भी मिलेगा साउंड का। तो